रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वेदिका और आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं सोमवार को बरेली में कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुहिम के तहत मैराथन आयोजित किया था, जिसमें कई बच्चियां दब गईं। दरअसल सोमवार को बरेली में बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में सुबह 10 बजे दौड़ रखी गई थी। ये मैराथन प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुहिम के तहत आयोजित किया गया, लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हुई तो आगे दौड़ रही बच्चियां धक्का लगने से गिर गईं। इसके बाद पीछे से बच्चों की भीड़ उन पर चढ़ गई। चीख पुकार के बीच भगदड़ मच गई। कई बच्चियों के घायल होने की भी खबर है। भगदड़ जैसी स्थिति में घायल होने के बाद कम से कम 3 प्रतिभागियों को अस्पताल भेजना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं मामले में कांग्रेस की नेत्री पूर्व मेयर सुप्रिया ने कहा कि वैष्णो देवी में भगदड़ मच सकती है तो ये तो बच्चियों की भीड़ है, ये इंसानी फितरत होती है, लेकिन मैं मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की के लिए माफी मांगती हूँ। उन्होंने कहा कि ये साजिश भी हो सकती है। इसी तरह की भगदड़ मेरठ में रैली के दौरान भी देखने को मिली थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।